हेलो स्टूडेंट्स, आज जो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। प्लांट्स के लिए आपको पता है कि दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट्स में, एक जो हमेशा डिवाइड करे और दूसरा जो डिवाइड ना करे, जिसमें डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाए। तो पहले कैटेगरी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, जिसमें कि डिवीजन होता है, दैट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरी कैटेगरी ऑफ टिश्यूज जिसमें कि डिवीजन स्टॉप हो गया है, डिवीजन रुक गया है, ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, उस टिश्यू में सेल्स आर ऑफ ऑल सेम टाइप, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स। आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के। पहला क्या है? पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो आज की क्लास में हम इन्हीं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। परमानेंट टिश्यूज की खासियत यह है कि इनमें डिविजन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, रुका रहता है, उनमें कोई भी डिवीजन नहीं होती है। दूसरा, परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर, उनके जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल सिमिलर। किस चीजों में सिमिलर होते हैं? इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सिमिलैरिटीज किन किन चीजों में होती है इन सेल्स की? स्ट्रक्चर में वो सिमिलर होते हैं और वो फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं। एंड सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। A simple tissue is made up of only one type of cells. Simple, जैसे मैंने बताया आपको, simple permanent tissue के अंदर जो cells होते हैं वो एक ही type के होते हैं, सारे cells एक जैसे होते हैं। Various simple tissues in plants are कौन कौन से? Parenchyma, Collenchyma and Sclerenchyma. तो आइए एक एक करके इन tissues को हम study करते हैं। सबसे पहले Parenchyma. पैरेन्काइमा इज राउंड और ओवल शेप्ड, उनकी जो शेप्स होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स की, आइदर राउंड होते हैं या फिर ओवल शेप के होते हैं। एंड दे आर लिविंग सेल्स, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। सो लिविंग सेल्स विद इंटर सेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो आप देख रहे हैं इंटर सेलुलर स्पेसेस, पैरेन्काइमा टिश्यूज के लिए उनके अंदर जो सेल्स होते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या? प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि सेल्स के बीच में कुछ गैप्स पाए जाना, कुछ स्पेस पाए जाना, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? ये पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, कहां पाए जाते हैं पैरेन्काइमा? इन स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ऑलमोस्ट हर जगह प्लांट के पूरे आप लाइफ साइकिल को अगर आप देखें तो उसमें प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑलमोस्ट हर जगह पर पैरेन्काइमा पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आप जानते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को, सो दैट स्टोर फूड। तो ज्यादातर पैरेन्काइमा सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, जो कि एक तरह का प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा, कुछ ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ऐसे क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। इसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या हुआ? ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाए उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जाहिर सी बात है, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिसके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस पाए जाए, दे आर कॉल्ड एरेन्काइमा। और ये कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स यानी हाइड्रोफाइट्स, जैसे लोटस हो गया, हाइड्रिला हो गया, इनमें ये पाए जाते हैं एरेन्काइमा, जिसके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स मेक द बल्क ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड द ग्रोइंग डिवाइडिंग इनर पार्ट्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी पूरे प्लांट बॉडी में, जैसे मैंने बताया, पैरेन्काइमा बल्क ऑफ द टिश्यू बनाता है, यानी ज्यादातर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू प्लांट्स में अगर कोई पाया जाता है तो वो होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा परफॉर्म फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं पैरेन्काइमा के? दे परफॉर्म फंक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज, सैप सिक्रीशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये पैरेन्काइमा द्वारा किए जाते हैं। अगर डायग्रामेटिकली इसको देखना चाहें तो ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम इनको बांट सकते हैं, व्यू में हम बांट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आ रहे हैं दोनों तरफ, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में भी नजर आ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी नजर आ रहा है। ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है और ये साइटोप्लाज्म है साइड में, और ये यहां पर न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? पैरेन्काइमा का। अब आइए चलते हैं बाकी जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है, जो दूसरा वाला है वो है कॉलेनकाइमा। पहला था पैरेन्काइमा, अब आते हैं हम कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर थिकेंड एट कॉर्नर्स, इनके कॉर्नर्स में थिकनिंग पाई जाती है। तो ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर है किसके? कॉलेनकाइमा के। कॉलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स, कहां पाए जाते हैं, इनका लोकेशन क्या है? बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स के एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं ये कॉलेनकाइमा। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर, बिल्कुल एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म लेयर के रूप में पाए जा सकते हैं, या फिर पैचेस के रूप में ये पाए जाते हैं। इनके कॉर्नर्स थिकेंड होते हैं जैसे बताया गया। क्यों थिकनिंग होती है, किसकी वजह से थिकनिंग होती है? द कॉर्नर थिकनिंग इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये तीन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनके सेल्स के कॉर्नर्स में पाए जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। कॉलेनकाइमा सेल्स आर, इनके शेप कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी कभी कभी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सच क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एसिमिलेट फूड, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और कॉलेनकाइमा में ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। कॉलेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉलेनकाइमा का, ये एक हाईलाइटेड फीचर है, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रदान करते हैं प्लांट्स को। टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रोइंग पार्ट्स का मतलब यंग लीव्स एंड पिटियोल ऑफ अ लीफ, लीफ के जो स्टॉक होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्राप्त होता है। अगर डायग्रामेटिक इनके स्टडी करें, डायग्रामेटिक फीचर्स अगर हम स्टडी करें कॉलेनकाइमा के, तो आप देख सकते हैं ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं थिकेंड कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, है ना, यहां भी इस एलएस में भी थिकेंड कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, देन बिग वैक्यूल इन द सेंटर एंड देन द न्यूक्लियस। तो ये एक ऐसा व्यू है जिसमें कि आप दोनों जो सेक्शंस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कहां पर ये थिकेंड कॉर्नर्स हैं। तो ये तो थी बात कॉलेनकाइमा की। अब आइए डिस्कस करते हैं फाइनली स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ, क्या होते हैं ये? तीसरे टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, ये लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, इनके सेल वॉल में लिग्निन का पाया जाना होता है, लिग्निन पाए जाते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, हैविंग पिट्स, इनमें गड्ढे भी होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं। सेल्स आर यूजुअली डेड। अब देखिए, जहां पर लिग्निफाइड सेल वॉल्स पाए जाएंगे वहां पर जो सेल होगा वो हमेशा डेड होगा। ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा वॉज ए लिविंग टिश्यू, कॉलेनकाइमा वॉज ऑल्सो ए लिविंग टिश्यू, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू होता है। यही वजह है कि इनके जो सेल वॉल्स हैं इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। सो सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। डेड होंगे तो इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, क्या क्या हुए? एक तो वेरिएशन हो गया इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं फाइबर्स और दूसरे स्क्लेराइड्स। अब आइए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फाइबर्स में क्या होते हैं? दे आर थिक वॉल्ड, फाइबर्स थिक वॉल्ड होते हैं और ये एलोंगेटेड होते हैं। ये अब देखिए फाइबर का डायग्राम है, थिक वॉल्ड है, लिग्निफाइड वॉल तो होंगे ही, और ये एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल्स। दे प्रोवाइड सपोर्ट, ज्यादातर स्क्लेरेनकाइमा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं प्लांट को। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। कहां पाए जाते हैं? अक्सर पूछा जाता है कि बताइए फाइबर्स कहां पाए जाते हैं। फाइबर्स आर ए टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। कहां पाए जाते हैं? सीड हेयर्स में पाए जाते हैं, लीफ फाइबर्स में पाए जाते हैं और बास्ट फाइबर्स यानी फ्लोएम फाइबर्स में भी ये पाए जाते हैं। तो सीड हेयर्स, लीफ फाइबर्स एंड बास्ट फाइबर्स में ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? फाइबर्स आर फाउंड। देन फाइनली स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स दे आर सिंपल, दे आर स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिक एंड डेड सेल्स। ये स्फेरिकल हो सकते हैं या ओवल शेप्ड हो सकते हैं, काफी मोटे होते हैं, थिक होते हैं, हाईली थिकन डेड सेल्स के बने होते हैं। शुरू में ही बता दिया गया था, दे आर लिग्निफाइड सेल्स विद वेरी नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन जो होता है वो बीच के एरिया को, जो सिलेंडर है उसका जो इनर एरिया है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन जो है यहां पर बहुत ही नैरो ल्यूमेन पाया जाता है। कॉमनली फाउंड, कहां पाए जाते हैं ये स्क्लेराइड्स? कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, नट्स के फ्रूट वॉल्स में पाए जाते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के पल्प में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स? लाइक गुआवा, पेयर, सपोटा, सीड कोर्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, चाय के पत्तियों के जो पत्तियां होती हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं स्क्लेराइड्स। तो आपने देखा फाइबर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और ये एक स्क्लेराइड का स्ट्रक्चर है। यहां पर पिट्स हैं, थिक सेल वॉल है, ल्यूमेन है। So this is all about the simple permanent tissue, various forms of simple permanent tissue. तो आज के क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा पैरेन्काइमा, देन कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। So this is all about today's class. मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।